नाम रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सो लेट्स स्टार्ट ओके क्वाइट ओके यू कैन टेल मी एट लास्ट हाउ मेनी डेज यू वांट दैट एट लास्ट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस एंड टेबल आल्सो आई सेड क्वाइट आई सेड वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड नाउ दिस वन इज अबाउट डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 means whenever this kind of numbers are given banta hi ja raha hai pehle 4 ka 5 ho gaya baad mein 6 ho gaya baad mein 10 number laga do 29 bakchi hai chalo this is for divisibility rule for 5 okay so whichever number will be given even odd diya ho even odd divisibility by 2 mein dekhna hai 5 mein nahi dekhna hai 2 mein divisibility by 2 mein dekhna hai ki wo even or odd 3 mein dekhna hai baki sab mein wo odd number hai even number hai मैम इवन नंबर है मैम इवन नहीं देखना 1 प्लस 5 प्लस 4 10 नहीं वो 3 में 1 प्लस 5 प्लस 4 वो 3 में 5 का रूल अभी तुम लोग को पता है नहीं तो क्यों बोल रहे हो आई एम टीचिंग नो यस मैम तो 4 का रूल क्या है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4 और दो जीरो हो तो भी नाउ दिस इज फॉर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 और नंबर डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 0.5 5 1 हां सपोज इफ आई एम गिविंग अरे मैं बोल रही हूं ना 0.5 1 ओके नाउ आई हैव डिसाइडेड कि इफ यू विल नॉट म्यूट द माइक आई विल नॉट स्पीक एंड आई विल नॉट एक्सप्लेन सो आई वाज सेइंग दैट हियर इट इज रिटन कि वंस की प्लेस पे वंस प्लेस मींस दिस फ्रॉम राइट साइड फर्स्ट डिजिट और लेफ्ट साइड से लास्ट डिजिट ये जो होता है दिस प्लेस यू टू सी कि वो प्लेस पे 0 और 5 हो 0 हो या तो 5 हो मतलब कि वो डिविजिबल बाय 5 है अगेन आई एम रिपीटिंग यू हैव टू चेक वंस प्लेस मींस लेफ्ट साइड से तो डिविजिबल बाय 5 नहीं है तो डिविजिबल बाय 5 नहीं है तो हमें कुछ और डिविजिबल बाय करना है नहीं नहीं तो सिर्फ ऐसा राइट रॉन्ग डिविजिबल बाय 5 नहीं वो टेबल में किया था मैम 27 टाइम 140 मैम कुछ समझ ही नहीं आया अरे क्वाइट मैम समझ नहीं आया दिस इज डिविजिबल बाय 5 ठीक है ये वाला जैसे टेबल में दिया हो एक एक नंबर नहीं आता नहीं आता शांति रह बोलो मैम नहीं आता 79 इज द क्वेश्चन किसका 80 भी या तो कुछ स्टार्ट है दो जाने मोहम्मद गाजी मैं मैंने काटी ना कोई बो वच में बोल दो वो दा लेक्चर मारा बस 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 ने पढ़वा दो तो आंसर दो क्वाइट ऑल ऑफ यू एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन मैम समझ नहीं आया हां हां हसन योर डाउट इज दैट कि हाउ टू नो राइट हाउ टू चेक इट सो व्हाट यू हैव टू चेक दिस इज द नंबर 79 उसमें ये वाला डिजिट देखना है हां सो यू आल्सो पे अटेंशन नो रोहन सो रोहन सी एंड हसन के दिस डिजिट यू हैव टू चेक दिस प्लेस समझ में नहीं आया यस मुझे भी समझ में नहीं आया हां हां एवरीवन रूहान अनस नूरुल नूरुल एवरीवन जस्ट पे अटेंशन यू हैव टू चेक दिस डिजिट कि ये 0 और 5 है कि नहीं 0 हो 5 हो तो यहां पे राइट आएगा मतलब वो डिविजिबल बाय 5 है समझ आ गया क्या है अभी 9 है 9 है ना अभी यस मैम मैं तो रॉन्ग आएगा रॉन्ग ओके नेक्स्ट इज 98 तो वहां पे वन की प्लेस क्या है देन 65 राइट ये सब एक साथ बोल रहे हैं नहीं आता
शांति रखना को एक और तो बोलो क्वाइट और ये मैम ओके जकी यू से फर्स्ट अबाउट दिस वन डिविजिबल बाय 5 उसमें 51 है वो डिविजिबल बाय 5 है या नहीं जकी विल से द फर्स्ट देन आई एम सेइंग द नेम यू विल से सेकंड आई विल से द नेम जो शांत होगा बार बार नहीं बोले उसको बोलूंगे जकी डू यू वांट टू से 51 हाँ बोलो yes, कौन मैम वो लेसन 3 exercise 3 सीखे बाद सीधा lesson 4 chapter 4 notes हाँ exactly chapter 4 notes and then this exercise 4a okay हाँ so Zaki just to check which number is given so which number is given first 51 yes, so you tell me 51 is divisible by 5 or not वो कैसे check करेंगे कौन सा digit check करेंगे Zaki 5 हाँ ये वाला डिजिट चेक करेंगे वंस प्लेस वंस की प्लेस पे जो डिजिट है वो चेक करेंगे वो जीरो या तो फाइव होना चाहिए टेल मी हाँ बोलो कौन और वो साइड एंड में बोल दे डिवीजन गिव द ऑर्डर्स हाँ रूल ऑफ डिवीजन वो है ना नोटिस के बाद हाँ टेबल है हाँ वो लिखने आए हाँ यस बट डोंट राइट राइट नाउ पे अटेंशन हियर हाँ सुजुकी टेल मी चेक द डिजिट एंड टेल मी वो जीरो फाइव है कि नहीं यहाँ पे कौन सा डिजिट है एट वंस प्लेस 51 में वंस की प्लेस पे वन है जीरो फाइव नहीं है मतलब कि दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फाइव Now next Hasan will say about 75. Ma'am, na bolo. Ma'am, cut the 5 है ma'am second का goal हाँ, goal circle हाँ, कर दो. So we have to circle yes. Then 37 that Gazi will say. पूछानी Gazi. क्या? 37 को circle करूँ कि नहीं? That is divisible by 5 or not? No no. हाँ. So we don't have to circle it because you can see at one's place 7 is there. Now 190 Nurul will say and then 300 Ruhan will say. Yeah, circle कर दिया आपने देखो cheating कर दिया. अब मैं बाद वाला पूछूंगी. दोनों में circle कर दो last के. देखो मैम देखा. तैयारी में हूँ ना. दोनों का बोल दिया. Circle कर दी तू तो. Okay. इसे खबर नहीं बोलते नहीं हो दीजिए वाला. अरे Very bad. Now Ruhan, you, I'm giving you number. Ruhan, I'm giving you number. You tell me both of these. Okay, which is divisible by 5 and which is not divisible by 5. From these two numbers. 540. Haan, this one is divisible and this is not divisible. Okay. And Anas, you want to give the answer? So shall I give you two numbers? Anas. मैं मुझसे नहीं बोला मैं जानकारी बोला है ही नहीं मैम मैम 85 वाला है और 59 वाला नहीं है सो दैट 5 दैट वी हैव कंप्लीटेड मैम ये नहीं होगा रॉन्ग कर दो रॉन्ग सो नाउ हियर आल्सो यू कैन चेक दिस 4 रॉन्ग रॉन्ग 4 है That is given. 5 is not. So it is not divisible by 5. Then again 66,500. Yeah, 5. Divisible by 6. मुझे 4 और 3 समझ में नहीं आया तो yesterday you were present or absent I was asking you again and again yesterday. मैं मुझे 3 नहीं समझ में आया। 3 क्या 4? 4 समझ में नहीं आया। First quiet.
4. Was okay, give me answer. Yesterday I was calling you again and again. Why you are not giving answer? You can check the video also. Many time I called you. You can ask to your friend also how many time I called you yesterday. I called you also and other boys also, those who are not giving answer to me. Ali Abbas, which are you? Then yesterday, Mithani Ali Abbas has also attended and he was not giving answer. So, Zaki, we are revising. We are revising from 2, so pay attention. Jisko bhi jo bhi na aata ho. Aur beech mein bhi koi nahi bolega. I say don't give the order. Every time you have this habit to give the orders. So you can see the numbers are given like this. और हम जब divide करते फिर ही हमें पता चलता है कि remainder zero आएगा कि नहीं. And here you can see remainder is not zero, but when you will see year, so at last you will get 4 as a remainder. तो उसके बाद पता चलता है. But without that full division sum long, if you want to know, then there is one key, means rules of divisibility. और वही हम सीखने वाले हैं. So in this divisibility rules, for number 2, you have to check that number is even or odd. और even or odd कैसे पता चलेगा? तो last digit 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए. 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए. That is divisibility rule for 2. Odd. For 2, हाँ. Even. हाँ. 2, 4, 6, 8 होना चाहिए. मतलब कि वो even number है. और तो ही वो डिवाइड होता है 2 से. डिविजिबल बाय 2 है. नाउ वो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3. जकी पे अटेंशन. हां, आर यू हियर? नो जकी, इवन. हां, ए वो वो आस्ते इसमें नहीं देखना, इवन और ऑड नहीं देखना. हां, हियर यू डोंट हैव टू सी इवन एंड ऑड, बट यू हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स. जितने भी डिजिट होते हैं उसको ऐड करना है. उसका टोटल होता है उसको 3 से डिवाइड करना है. यू कैन सी द सेम थिंग इज रिटन कि ऐड अप ऑल द डिजिट्स और फिर उसका जो टोटल आए सम आए उसको 3 से डिवाइड करना है. आई एम शोइंग वन सम, यू विल अंडरस्टैंड. 618 आई गेस वाज गिवन. 618, तो उसमें सारे जितने भी डिजिट होते हैं 618 में 6, 1, 8 उसको उसका टोटल करना है. सो यू विल गेट 15. फिर 15 को 3 से डिवाइड करना है. पंजाब वाले मैम होता है 5 3 15. यस, 3 5 15. हां, 5 3 15. बस. सो यू कैन सी 6 + 1 + 8, यू गॉट 15. And you already know the table 3 5s or 5 3s are, that is 15. So as it is divisible by 3, मतलब वो जो 15 है वो 3 से divide होता है, इसलिए this is divisible by 3. इसमें yes आएगा. So this is for number 3, is divisible by 3. Now number 4. So now नहीं, number 4 you have to check last 2 digits. Last 2 digits. अगर 2 digit का ही number हो तो दोनों के दोनों. 3 digit का number हो तो last के 2 digit. 4 digit number हो तो भी last 2 digits. और 1 digit का number दिया ही नहीं होगा कि भाई 1 digit number है उसको 4 से divide करके दिखाओ. या तो 2 digit number होगा, या तो 3 digit, या तो 4 digit. मैम 2 digit number हुआ तो दोनों के दोनों ले लेने के. 3 digit हुआ तो last के 2. 4 डिजिट नंबर हुआ तो भी लास्ट के 2. 10 के हुआ तो भी लास्ट के 2. हाँ, और फिर लास्ट 2 डिजिट लेके यहाँ पे दिस इज द नंबर 778, तो उसमें लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं? 778 राइट. ये लास्ट के 2 डिजिट है 78. तो अब सिर्फ वो लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है. 63. 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आता है
तो नॉट डिविजिबल अगर रिमाइंडर जीरो आया तो ही डिविजिबल, वरना वो गलत होगा सम। हाँ नॉट डिविजिबल होगा, हम डिविजिबल नॉट डिविजिबल डिसाइड करते हैं ना, तो नॉट डिविजिबल। मैम या जीरो आएगा या जीरो आए, इधर रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। जीरो आया तो डिविजिबल, नहीं आए तो नॉट डिविजिबल। यहाँ पे मैम तो पता, मैम मेरे एक बार हुआ था मैथ्स में आंसर तो कुछ और था, वैसे ऐसा ही जैसा था, मैंने पूरा लिख दिया नीचे जीरो नहीं आया था, मुझे रॉन्ग पड़ गया, बट उसमें जीरो आ ही नहीं रहा था तो सिर्फ ये लिख के छोड़ देने का। रिमाइंडर टू लिख के छोड़ देने, तो ये इसको छोड़ देने का मतलब दूसरा करने लग देने का और आप सही पाड़ोगे, सही है ना। क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग आंसर की होती है, क्वेश्चन जो पूछा जाए उसके हिसाब से आंसर होता है। यस यस पता है वो तो, अगर उसने जीरो नहीं आया टू आ गया तो आपको हमने ये पूरा कहेंगे, बट आपको जीरो नहीं बोल सीधा भी जीरो नहीं है तो करके रॉन्ग मत बोल देना। हां हां इट्स नॉट कंपल्सरी, हां ओके। हां वो कंपल्सरी नहीं है कि तुम डिवीजन का सम करोगे और नीचे जीरो ही आना चाहिए, कभी कभार कोई कोई में रिमाइंडर आता है 1 2 3 ऐसे तो ऐसे वो लिख के छोड़ देने का टाइम का। हाँ कि आर आर और क्यू मैंने नहीं सिखाया था, आर क्यू रिमाइंडर ने क्वेश्चन डिवीजन के सम में, कि रिमाइंडर 2 है क्वेश्चन 19 है तो वो लिख के रख देने का सिंपल। यस मैम। हाँ तो हियर व्हेनेवर वी चेक नो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4, व्हेन वी चेक नो कि इट्स डिविजिबल बाय 4 और नॉट, तो 4 में लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, और अगर 0 आए तो वो डिविजिबल बाय 4 है, वरना नहीं है, नॉट डिविजिबल। और 5 में तो अभी जस्ट हमने सीखा कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। मैम एक बार फिर दिखा दो ना, नहीं चलो जान दो। हाँ ये रहा 5 का डिजिट, शुड बी 0 और 5। फाइव के लिए जल्दी से 6 को करवाओ वरना लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके 1 2 8 4 एंड व्हाट इज द टाइम 10:40 किसका 6 का राइट दिस नाउ फॉर 6 इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 3 then which is divide us divide karne mein is tarah okay then it is divisible by 6 as well. Don't read like this please anyone, let me explain. I'm only reading, so I'm reading please. Yes. Divisibility rule for 6, if a number is divisible by 2 and 3 then it's divisible by 6 also, matlab koi bhi number diya ho jisme main check karna ho ki wo divisible by 6 hai ki nahi, to pehle check karna hai ki wo divisible by 2 or 3 hai ki nahi, to hum check karenge, ek example dikha rahi hu, this is the you remember divisibility 2 and 3, even odd dekhna hai to divisible by 2 or 3 ke liye total karna hai, ye number hai तो उसके लिए पहले देखना है कि डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं, तो डिविजिबल बाय 2 है बिकॉज़ इट्स इवन नंबर। ओके नाउ वी विल चेक दैट इट्स डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो डिविजिबल बाय 3 के लिए उसका टोटल करना पड़ेगा 7 + 2 + 8 + 4 ऐसे हम टोटल करेंगे, ये सिर्फ हम डिविजिबल बाय 3 के लिए चेक करने, एक साइड हमने डिविजिबल बाय 2 चेक कर लिया। मैम 21 Yes, Ali Abbas gave the answer. गलत है. Okay. 3 के डबल में 21 आता ही नहीं है. ले 3 के डबल में 21 नहीं आता है. पक्का? बाय मैम. 21 3 7 21 3 7 21 3 7 21 3 7 21
सबको मालूम है। तो इट्स डिविजिबल बाय 3 आल्सो। तो डिविजिबल बाय 6 के लिए चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 2 और 3 है कि नहीं। वो तो कर लिया मैम, अब क्या करेंगे? अगर दोनों में यस आंसर आता है, हाँ डिविजिबल है, तो मतलब कि डिविजिबल बाय 6 भी है। मैम अगर एक में यस आया एक में नो आया तो फिर वो नहीं है, तो नहीं होगा डिविजिबल 6। ओके, इट्स रिटन इट्स डिविजिबल बाय 6। अब नेक्स्ट एग्जांपल में शायद ऐसा ही होगा। लेट्स तुम लोग अपने आप से सॉल्व करो। चलो इवन वो डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं? हां तो डिविजिबल बाय 2 है। अब डिविजिबल बाय 3 अपनी बुक में करो। डिविजिबल बाय 3 ये बुक में कौन करने बैठा? कैलकुलेटर 2 दिया है। Divisible by 2 में ये आंसर आया है। Now let's see indivisible by 3, उसमें ये आंसर आता है कि नहीं? मैं 20। 1, 2, 3, 4, 8। 20 है। Another मैं नहीं आता, 20 नहीं आता। हाँ, 20 आता है। Not divisible by। Not divisible। तो एक में yes, एक में no। तो अब क्या करेंगे? तो नॉट डिविजिबल 20 नॉट डिविजिबल बाई। मैम अगर हमने पेपर में ऐसा लिखा के नॉट डिविजिबल बाई 3 तो चलेगा ना? ऐसा दोनों कर दिए और बाद में लिख दिए। हां मेथड दिखाने की। हां यस मेथड दिखाने की कि डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, और दोनों में राइट है रॉन्ग है क्या है, और फिर फाइनल आंसर। यस मेथड हां ले मैम अगर हो गया तो उसको 1, 4, 3, 4, 8 को डिवाइड कर देने का। 1, 4, 3, 4, 8 उसके बाद 1 के टेबल के साथ इन सब को डिवाइड कर देने का। क्यों डिवाइड करना है? अगर आ गया तो ये दोनों यस एंड आई वाज सेइंग यहां पे पीछे 14 कर देने का और वो डैश करके वहां पे वो लिखते हैं ना 3, 4, 8 वो कर देने का। And I was saying कि suppose table ही पूछा जाए like how it is given in the exercise। मुझे नहीं पता कैसा है, दिखाओ तो सही। In this one how it is given, no table this one right wrong। Yes yes तो हो जाएगा। Ask like this only कि भाई ये वाला 6 वाला पूछूं या तो 3 वाला पूछूं, कोई एक दो कॉलम suppose then no need to show the method। हाँ तो फिर राइट रॉन्ग ही कर देने का। 6 के डबल में 12 आता है, 6 के डबल में 79 आता है। नहीं यू कैन चेक दैट वे यूजिंग द की। तो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 है तो नहीं नहीं आता। मैं नहीं आता मैम। 2 वाली की मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी ना उससे करूंगा। हां ओके ठीक है। Solve this in your homework, okay? This one. Mom, आपने कुछ बोला मुझे सुनाई नहीं दे रहा। You have to solve this. ले ले. You have to solve this in the homework. This one. Basics में क्या करना है? ये homework अपने आप से करना है। अभी मैंने समझा है ना कि 6 के लिए एक-एक number ले लेना है, 79, और फिर उसको देखना है कि वो divisible by 2 and 3 है कि नहीं। दोनों में yes answer आता है। डिविजिबल बाय 2 एंड 3 में। मैम अगर इसमें भी ऐसा ही करने का पड़ेगा, ऐसा करने पड़ेगा। यस इतना फालतू टाइम। अरे वाह। हां हां नहीं हां मैं क्या बोल रही हूं, इसलिए तो मैंने समझाया कि डिविजिबल बाय 6 कब होता है जब वो डिविजिबल बाय 2 भी हो। अगर 9 करवा दो डिविजिबल बाय 9 रॉन्ग कर दो। नहीं आएंगे रॉन्ग कर दो 6 में। नहीं वो अपने आप से होमवर्क। नहीं 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 वो होमवर्क कब नहीं, अभी कोई आंसर नहीं बोलेगा। अभी कोई सॉल्व नहीं करेगा। यू हैव टू डू दिस एंड होमवर्क। ओके मैम मैंने तो सारे सॉल्व कर दिए। 9 करवा दो डिविजिबल बाय 9। हां नाउ वी विल सी फ्यू एग्जांपल्स। दिस इज 7 बट इट इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस। हम नहीं समझ आएंगे। 7 क्या क्या 7
मैम तो 7 7 इज नॉट देयर नो इन द टेबल सी आवर एक्सरसाइज मैम 8 भी नहीं है 8 भी नहीं है हां 7 8 इज नॉट देयर इन नॉट दिस यू विल लर्न इन हायर स्टैंडर्ड यस इन अदर स्टैंडर्ड 6 7 8 बस यू प्लीज क्विट कीप क्वाइट सो दैट आई कैन वेरी गुड ओके नाउ लेट्स सॉल्व दिस सो व्हाट इज द रूल फॉर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 तो 3 के जैसा ही है कि टोटल करना है और टेबल में देखना है इसका टोटल हां सो डू द टोटल ये तो इजी है यू आ गया जवाब Divisibility rule for 9 ना भूलना मत ये 9 का है दोनों में सही तो है वो दोनों में एक ही तो है 27 तो अब 9 के टेबल में देखना है क्योंकि 9 का है 9 3 27 ओके लेट्स मैम देखो 3 के टेबल में 4 ही डिजिट आते हैं इसमें 5 है देखो ये डिविजिबल है इसीलिए ये नंबर भी डिविजिबल बाय 9 है मैम दूसरा हम अपने हाथों करना है अब इसको डिवाइड करना है अयो अल्लाह अब इसको डिवाइड करना है बैठने का And one more question will be given to you. Same way you can do. Okay? It's divisible by 9 or not. इसका भी टोटल मैम इजी मैथ का वो बताओ हाँ वही टोटल करना है ए टोटल आंसर यू गॉट टोटल कर दिए बाद में ओके टोटल इज ऑलरेडी गिवन देन आल्सो यू आल्सो डू द टोटल एंड सी वेदर यू आर गेटिंग 25 और नॉट एंड देन जस्ट सी इट्स डिविजिबल बाय 9 और नॉट कितना था नो मैम रॉन्ग आंसर 3 प्लस 5 आंसर रॉन्ग है हाय मैम रॉन्ग है रॉन्ग आंसर बोलने का ऐसा बोलने का नॉट डिविजिबल बाय 9 ऐसा बोलने का नॉट डिविजिबल बाय 9 हां नॉट मैम बाय आई जब ये तो 25 है ना इज इक्वल टू हां ए वेट 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 हां नॉट डिविजिबल मैम पहले बोला नॉट डिविजिबल बाय 9 सो इन होमवर्क व्हाट यू हैव टू डू बोथ 6 एंड 9 ओके ओके मैम डिविजिबल बाय 9 नहीं है तो उसको मैच आउट करके फेंक देने का ना हां फेंक देने का टोटल है 2 टाइम यू डू टोटल इट टोटल यू डू उसका भी टोटल आई को टोटल का टोटल टोटल करना है फिर उसका टोटल और फिर देखना है दोनों फेंक देने का मैम क्या टोटल करना है उसका भी टोटल करना ये ओके सी इतना टोटल किया था ना टोटल 3 के जैसे ही टोटल करना है बट फिर वापस इसका भी टोटल मैम प्लस किया इसका टोटल हो गया 9 9 तो फिर आंसर क्या हुआ 9 आया तो 9 को वापस 9 से डिवाइड करो तो वो तो है ही डिविजिबल बाय 9 यस मैम 21 शांति रख जाती मैम वो डैश करके वो डैश करता पीछे 9 करो बाद में भी 9 करो तो आ जाएगा जो आंसर आया ना ये उसको 9 से डिवाइड करना 9 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई नहीं 9 9 से 81 नहीं ठीक यार मल्टीप्लाइंग 9 9 से 81 उसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं अगर ये कर दिया तो सम नहीं करने का हां तो किसे भी हो क्या वो मैम वहां पे 25 आया तो उसको भी मल्टीप्लाई करने का प्लस प्लस 2 प्लस 5 यहां पे कैसे 27 हां मैम 2 प्लस 5 तो वो आंसर मिला तो फिर नहीं करना था उसमें भी मल्टीप्लाई 5 क्या आता है 2 प्लस 5 क्या आता है 7 और 7 9 से डिवाइड नहीं होता है सिंपल नहीं होता ये
वो 9 से डिवाइड नहीं होता है ना, 2 प्लस 5 7 7 हाँ बट उसकी कैसेट भी ना अटक गई है, एक के एक लास्ट डिजिट शुड बी जीरो, लास्ट डिजिट जीरो हो तो डिविजिबल बाय 10, इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, लास्ट डिजिट जीरो होना चाहिए तो डिविजिबल बाय 10। उसको ना ना सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है, लास्ट डिजिट जीरो होना चाहिए, बिकॉज इफ यू विल सी द टेबल 10 हां जीरो है तो डिविजिबल बाय 10, लास्ट डिजिट जीरो नहीं है तो नॉट डिविजिबल बाय 10। ओके मैम फिर डिवाइड कर देना कर उसको 4 7 को लिख देना का 6 5 और उससे ऐसे डिवाइड कर देना का ना 22 लास्ट डिजिट चेक करना है कि वो जीरो है या नहीं। हां मैम वो जीरो हुआ तो वो मल्टी है, वो तो डिविजिबल बाय 10 नहीं, तो डिविजिबल बाय 10 ऐसे ही देने का, तो फिर वो काम करने काम कुछ नहीं करने का नहीं, ये एकदम इजी है, नहीं ये एकदम इजी है, डिविजिबल बाय 10 सिर्फ जीरो। चलो हो गया खत्म, जाता है बाबा हम निकल ले मैम। नहीं मैम मैम जाता है मैम, अबे भी मैम बाय मैम, दिस इन द होमवर्क दिस वन बाय मैम। ऑलराइट हां डोंट कॉपी फ्रॉम दी, डोंट कॉपी फ्रॉम दी, बाय मैम बाय मैम बाय मैम बाय मैम बाय मैम बाय हसन बाय मैम। की कैसे बहुत अटक जाती नहीं, एक एक चीज कितनी बार रिपीट करता है, बाय मैम। हां बाय अली अब्बास एम रिपीट।